अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने गाइडन का चैप्टर 49 करना है। 46, 47 और 48 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारी जो सेंसरी फिजियोलॉजी है वो भी एंड हो जाएगी। और इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद जो है वो एक रिवीजन वीडियो में रखूंगी, जिसमें हम इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को रिवाइज कर लेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली ये चैप्टर है बच्चों हमारे पास पेन रिलेटेड, ठीक है। सबसे मेजर पोर्शन इसमें पेन का डिस्कस हुआ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन हेडेक एंड थर्मल सेंसेशंस को भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब पेन के रिलेटेड आपको पता क्या होना चाहिए कि पेन है क्या, ठीक है। एज वी नो कि जब हमारा कोई टिश्यू डैमेज होता है तो हमें क्या फील होता है, कोई भी फिजिकल या केमिकल डैमेज क्रिएट होता है, तो वहां से जो है वो पेन के सेंसेस जनरेट होती हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस लेवल तक जाती भी हैं और नहीं भी जाती हैं, डिपेंड करता है पेन की टाइप पर, फाइबर्स पे हम बात करेंगे। वो बताता है कि जब हमारे पास कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो पेन क्रिएट होता है, और पेन जो है इंसान को मतलब इस तरह के इंपल्सेस या इस तरह का एक रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है कि वो उस पेन से खुद को रिलीव करा सके। एग्जांपल उसने बताई कि जब हम बैठे होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, तो जो हमारी हिप बोन है और उसमें भी हम स्पेसिफिक बोलें तो ईशियम, वो वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जब हम इतनी देर के लिए बैठे रहते हैं, प्रेशर पड़ रहा होता है, वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिया और यहां पे पेन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां से पेन की इंपल्सेस जाती हैं, ठीक है, ब्रेन की तरफ, और हम अनकॉन्शियसली अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं। यानी हमारे पास वो जो स्टिमुलस पेन कॉज कर रहा था या जो कॉज था जिसकी वजह से पेन हो रहा था, हमने खुद ब खुद उसको रिलीव कर लिया। तो ये पेन का एक सिग्निफिकेंस होता है कि ये हमें ना सिर्फ पेन के बारे में बताता है बल्कि बॉडी को गाइड भी करता है कि कैसे उस पेन से इंसान खुद को रिलीव करे या हट सके। फिर वो बताता है कि अगर किसी की जो है वो स्पाइनल नर्व इंजरीज हुई हुई है, वो पेन सेंसेशन फील नहीं कर सकेगा और ना ही वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करेगा, बहुत देर तक वो बैठा रहेगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेन की टाइप्स क्या है। मैं पहले भी इसके ऊपर आपसे डिटेल में बात कर चुकी हूँ, अगेन हम बात कर लेते हैं। दो तरह के पेन होते हैं, स्लो एंड फास्ट पेन, ठीक है। फास्ट पेन को हम कहते हैं कि ओनली स्टिमुलस के या कॉज के 0.1 सेकंड के बाद ये फील हो जाता है, ठीक है। फास्ट पेन का फील होता है प्रॉपर 1 सेकंड के बाद, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, इसको मैंने आपको बताया था, पास से याद रख लें, PASE, पास, ठीक है। हमारे पास जो प्रिकिंग, ठीक है, प्रिकिंग, एक्यूट, शार्प या इलेक्ट्रिक शॉक, ये वाला जो पेन होता है ना, जो इन इन सारे स्टिमुलस की वजह से होता है, ठीक है, इन सारे कॉजेस की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं फास्ट पेन, ठीक है। स्लो पेन को हम याद कैसे रख सकते हैं, एक तो आप टैब याद रख लें, TAB टैब, ठीक है, और सन, टैपसन, SCN सन, टैपसन, ठीक है। टी से हमारे पास है जी थ्रॉबिंग पेन, ठीक है, थ्रॉबिंग पेन। उसके बाद हमारे पास है इचिंग पेन, अच्छा, फिर बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन। सी से है हमारे पास क्रॉनिक पेन, जो लॉन्ग टर्म हो, एंड नॉजियस पेन, ठीक है। ये एक तो डिफरेंस हो गया इसका कि 0.1 सेकंड के बाद फील होता है, तकरीबन 1 सेकंड के बाद फील होता है। इस तरह के जो सारे पेन है, जब कोई पिन प्रिक हुई या नाइफ से हम एकदम कट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जो शार्प किस्म का पेन है वो फास्ट पेन होता है, फौरन वो हमारे ब्रेन की कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंचता है। जबकि ये जो सारे पेन है ये स्लो पेन होते हैं, ठीक है, ये काफी स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है बच्चों, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, क्रॉनिक होता है, और समटाइम अनबियरेबल कंडीशन ये कॉज करता है। एक और बात यह कि जो फास्ट पेन है वो डीप टिश्यूज के साथ जो है वो डील नहीं करता, ठीक है। डीप टिश्यूज में हमारी बॉडी के फास्ट पेन के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, जबकि स्लो पेन जो है वो डीप टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है, यूजुअली टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ ये डील करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक उसने डिस्कस किया है, गाइटन में और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, हम साथ साथ इनको नोट करते जाएंगे, ठीक है। मैं जरा सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ। अब रिसेप्टर की अगर बात करें तो हमें पता है पेन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स हैं क्या, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, क्या है, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है सुपरफिशियल सरफेस में, सुपरफिशियल स्किन में। उसके अलावा हमारे कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट है, जैसा कि पेरिओस्टियम, ठीक है, आर्टीरियल वॉल वगैरह उसने बताई हुई है, ठीक है, क्रेनियल वॉल, ठीक है। लेकिन वो कहता है डीप टिश्यूज में अगर हम बात करेंगे तो फ्री नर्व एंडिंग्स इतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, और अगर होंगी भी तो वो स्पेसिफिकली कौन सी होंगी, डीप टिश्यूज में स्लो क्रॉनिक पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, स्लो क्रॉनिक पेन रिसेप्टर्स जो है वो डीप टिश्यू में होंगे। जैसे हमने पहले भी बात कर दिया कि फास्ट पेन के रिसेप्टर जो है वो डीप टिश्यूज में नहीं होते, और ये डीप ऑर्गन से जितने भी पेन फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे वो स्लो इन नेचर होंगे। स्लो पेन को जो कैरी करके लेके जाते हैं वो होते हैं स्लो फाइबर्स, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, अब स्टिमुलस में भी बच्चों एक फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास फास्ट पेन है ना, इसका आपने याद रखना है, दो तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं, थर्मल और मैकेनिकल, थर्मल और मैकेनिकल। जबकि स्लो पेन का क्या है, थर्मल भी है, मैकेनिकल भी है, और केमिकल स्टिमुलस भी है। अब अगली बात ये आ जाती है कि हमने कहा फास्ट पेन जो है वो उसको हमारे पास उसके क्या स्टिमुलस हैं, थर्मल एंड केमिकल, यानी हीट या हुई या वही जैसे हमने ऊपर बात की कि कोई शार्प कट लग गया, नाइफ से प्रिकिंग हुई, या फिर मैकेनिकल स्टिमुलस होगा, प्रेशर वगैरह अप्लाई होगा, तो ये वाले फाइबर स्टिमुलेट होंगे और फास्ट पेन कैरी करके ले जाएंगे ब्रेन की तरफ। और जबकि अगर हम स्लो पेन की बात करें तो ये स्पेसिफिकली बच्चों टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ डील करता है, और इसका जो मेन स्टिमुलस होता है ना वो केमिकल स्टिमुलेंट होते हैं। किस तरह, जैसे ही कोई भी टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, उसके अलावा हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, एसिड रिलीज होता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, पोटेशियम आयन रिलीज होता है वहां पे,
सिरोटानिन, ठीक है, सिरोटानिन है, उसके अलावा एसिटल कोलिन है, ये सारी चीजें, और दो स्पेसिफिकली वो बताता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली क्या करते हैं, स्लो फाइबर्स को एक्साइट कर देते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या क्या, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, एसिटल कोलिन, सिरोटानिन और एसिड्स वगैरह और पोटाशियमाइन की कंसेंट्रेशन, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी ऐसे दो सब्सटेंसेज हैं जो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली एक्साइट करते हैं स्लो पेन फाइबर्स को थ्रू दीज केमिकल, और उनको हम कहते हैं केमिकल स्टिमुलस, ठीक है, और ये स्लो फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और फिर इंपल्सेस लेके ब्रेन तक जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो उसने स्टार्टिंग में बताए हुए हमने डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अडैप्टिंग कैरेक्टर। हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर कि वो अडैप्ट कर जाते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूसली बार बार जो है वो कोई भी स्टिमुलस आ रहा होता है एक ही रिसेप्टर को, वो आके क्या कर रहा होता है, एक्टिवेट, तो कुछ देर के बाद ये रिसेप्टर इसके लिए इनसेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, और स्टिमुलेट नहीं होता, ठीक है, जैसे हमारे घर में मेहमान आता है हम उसके लिए तकल्लुफ करते हैं, दूसरे दिन आता है फिर करते हैं, लेकिन वो बार बार आता है तो फिर हमें फील ही नहीं होता कि वो मेहमान और हम उसके लिए बेतकल्लुफ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता पेन रिसेप्टर के केस में। पेन रिसेप्टर के केस में बताता है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो स्टिमुलेंट आता जाएगा तो ये रिसेप्टर जो है इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, अगर इंक्रीज जो है वो एक्साइटेटरी सिग्नल आएंगे तो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू अदर रिसेप्टर पेन रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एल्जीसिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर एल्जीसिया, और ये बहुत ज्यादा बॉडी के लिए बेनिफिट है क्योंकि पेन तब तक होता रहता है जब तक कि टिश्यू डैमेज खत्म नहीं हो जाता, तो अगर थोड़ी देर के बाद ये पेन रिसेप्टर इसको अडैप्ट कर लेते तो हमें पता ही ना चलता कि टिश्यू डैमेज हो रहा है कंटिन्यूसली या नहीं, तो ये तब तक परसिस्ट करता है जब तक कि टिश्यू डैमेज जितना भी हो रहा ना उसके बारे में हमें ये बताती है रिसेप्टर्स, ठीक है, तो इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अडैप्ट नहीं करते। तो अगर आप बुक से देखेंगे हमने पेन का एक बेसिक सा ओवरव्यू किया, ठीक है, फिर हमने उसकी टाइप्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, फिर हमने उसकी टाइप्स का थोड़ा डिफरेंस कर लिया, फिर हमने देखा कि इसके रिसेप्टर्स क्या है, फ्री नर्व एंडिंग है जो सुपरफिशियली और इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है लेकिन डीप नहीं है, फास्ट के लिए, स्लो के लिए है, ठीक है, तो हमने कहा स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, हमने कहा स्लो के लिए दोनों हो सकते हैं मैकेनिकल एंड थर्मल, जबकि सॉरी फास्ट के लिए होते हैं मैकेनिकल और थर्मल, जबकि स्लो के लिए क्या होते हैं मैकेनिकल थर्मल के साथ साथ केमिकल, और वही इंपॉर्टेंट है, और कौन से केमिकल रिलीज होते हैं टिश्यू डैमेज की वजह से, तो ये बताया मैं यहाँ पे कि मेरे पास ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटाशियमाइन, एसिटिल कोलीन, प्रोटीलाइटिक एंजाइम, और स्पेसिफिकली इसमें सब्सटेंस पी और प्रोस्टाग्लैंडिन का आपने जिक्र करना है जो इनडायरेक्टली एक्साइट करते हैं, देन नॉन अडैप्टिंग नेचर है इनकी, और इसकी जो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है इंक्रीज स्टिमुलस की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों हाइपर एल्जीसिया, ठीक है। अच्छा, फिर इस ग्राफ में बता रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 45 डिग्री से अबव तो उस टाइम टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो जो पेन हमें फील हो रहा होता है ना वो डायरेक्टली कोर रेट है या डायरेक्ट इन रिलेशन है कि किस रेट पे टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है, जितनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे हाई रेट पे टिश्यू डैमेज हो रहा होगा उतना ही ज्यादा हमें पेन फील होगा, तो पेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट एट विच द टिश्यू डैमेजेस अकरिंग, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो इसमें इंपॉर्टेंट था, जो हमने पीछे केमिकल पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना ब्रेडिकाइनिन, जो पेन कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेडिकाइनिन के अलावा वो बताता है कि दो एंजाइम, एक हमारे पास पोटाशियमाइन की कंसेंट्रेशन और दूसरा प्रोटीओलैक्टिक एंजाइम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और ये भी नर्व एंडिंग्स को जाके एक्साइट करते हैं और पेन की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसने कहा रोल, अच्छा पेन जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में हो क्यों रहा है, दो रीजंस उसने बताई है, एक टिश्यू इस्कीमिया और एक मसल स्पैज को रिलेट किया है। टिश्यू इस्कीमिया में क्या होता है बच्चों के जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं और जितना ज्यादा हमारे पास उस टिश्यू में जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ब्लड जो है वो ब्लॉक हुआ है उसका मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होगा ना उतना ही ज्यादा पेन प्रोड्यूस होगा। और ऐसा क्यों होगा वो बताता है कि जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है तो वहाँ पे एसिड एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और हमने पीछे पढ़ा कि एसिड जब ज्यादा एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है तो नर्व एंडिंग्स को, पेन नर्व एंडिंग को एक्साइट करता है और पेन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इस्कीमिया से डायरेक्टली क्या हो जाएगा पेन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और मसल स्पैज से भी ऐसा ही होता है, वो कहते हैं मसल स्पैज से पेन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन दो तरह से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मसल स्पैज से डायरेक्टली किस तरह से प्रोड्यूस होता है कि मसल स्पैज जो है वो मैकेनो सेंसिटिव पेन रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देते हैं जो पेन इंपल्सेस लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, या इनडायरेक्टली जब स्पैज क्रिएट होता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, और इस्कीमिया डेवलप होने से जो मेटाबॉलिज्म है वो एनएरोबिकली चलेगा, और जब एनएरोबिकली चलेगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड जो है वो नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेगा और पेन इंपल्सेस भेजेगा टुवर्ड द हाई रीजन ऑफ ब्रेन। अब आ जाओ डुअल पाथवे पे जो पेन ट्रांसमिशन के लिए, वो कहते हैं पेन ट्रांसमिशन जैसे हमारे पास दो तरह के पेन है, एक शार्प पेन है, एक फास्ट पेन है, एक स्लो पेन है, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए भी दो पाथवेज यूज होंगे और दो अलग तरह के फाइबर्स यूज होंगे। तो आपने याद रखना है कि जो फास्ट पेन को ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर यूज होंगे उन्हें हम कहते हैं अल्फा फाइबर्स, ठीक है, ए फाइबर या अल्फा फाइबर, ठीक है। इसी तरह जो स्लो पेन को ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर यूज होंगे एस से आपने याद रखना है, उन्हें हम कहते हैं सी फाइबर या डेल्टा फाइबर, ठीक है, सी या डेल्टा फाइबर, और ये ए या अल्फा फाइबर्स होते हैं। जो फास्ट पेन फाइबर्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 6 to 30 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि इनकी बहुत कम होती है, इनकी होती है 0.2 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड इतनी ये स्पीड इनकी होती है ट्रैवलिंग की।
फिर वही बात यहाँ पे दोबारा बताई हुई है कि जैसे हमारे पास कोई शार्प पेन होता है, जैसे हमने पास से याद किए थे, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास फास्ट फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, और अगर जो स्लो पेन का स्टिमुलस जनरेट होता है, जैसे हमने केमिकल्स पढ़े, तो उस टाइम स्लो पेन, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ये दोनों भी एट अ टाइम जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। पहले फास्ट पेन इंपल्स लेके जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे स्लो भी लेके आ रहा होता है, इसकी वजह से ओवरऑल जो पेन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इन दोनों के लिए दो पाथवेज हैं बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास पाथवेज हैं उनके नाम भी डिफरेंट है। एक पाथवे को हम कहते हैं नियोस्पाइनोथेलमिक ट्रैक, ठीक है, नियोस्पाइनोथेलमिक है फास्ट फाइबर्स के लिए, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पेलियोस्पाइनोथेलमिक जो कि स्लो फाइबर्स के लिए है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये है फास्ट फाइबर्स और स्लो फाइबर्स के पाथवेज, उनको जरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फास्ट फाइबर्स के पाथवे की बात करती हूँ बच्चों। फास्ट फाइबर के पाथवे को हम कहते हैं नियोस्पाइनोथेलमिक पाथवे, ठीक है। इसका स्टिमुलस क्या होता है? मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस होगा, ठीक है। जब मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलस होगा तो जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। फ्री नर्व एंडिंग सिग्नल दे देंगी फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी थी जिसकी सेल बॉडी जो है वो यहाँ पर डॉर्सल कॉलर हॉर्न में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसने यहाँ से सिग्नल ले लिया, ठीक है, और ये कहाँ आ गई? ये आ गई हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में, ठीक है, जिसे हम डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं। और इसमें वो बताता है कि डिफरेंट लैमिनल की लेयर्स होती हैं, सिक्स लेयर्स होती हैं, तो ये लैमिनल जो वन लेयर है वहां पे आके फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है हमारे पास सेकंड न्यूरोनल बॉडी, ठीक है। ये जो सेकंड न्यूरोनल बॉडी स्टार्ट होती है वो बताता है कि ये जल्दी से कॉन्ट्रालेटरली आती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्स होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरली मूव करके आते हैं, ठीक है। और ये सेकंड न्यूरोनल बॉडी वो यहाँ से कहता है ऊपर जा रही है, ठीक है जी, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, अगर हम इस साइड की बात करें, ठीक है, जा रही है। अब जाते हुए वो क्या कर रही है बच्चों? आपको पता ही है हमारे पास ब्रेन स्टेम का लेवल और यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जिसे हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। तो ये अपने कुछ